पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुरक्षा बलों के द्वारा 29 नक्सलियों के मारे जाने की घटना को फर्जी बताए जाने वाले बयान को लेकर कहा कि पूर्व घटित नक्सल घटना को लेकर दिए गए मेरे बयान को अभी की घटना से जोड़कर बताया गया है। भाजपा वाले ऐसा कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि कांकेर में पहले जो मुठभेड़ हुई थी वह फर्जी थी, उन्हें कितने सबूत चाहिए, हम अब और रमन सिंह के कार्यकाल के फर्जी मुठभेड़ों के सभी सबूत देंगे। इसके पहले जो हुआ जो बताया है वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया है, एक कांकेर में हुआ है, उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है, और कितने उदाहरण चाहिए उनको फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी, ये लाख दे देंगे उसमें क्या है, गिरफ्तारियां भी हुई, फर्जी मुठभेड़ भी हुआ, मतलब ये तो मूर्खता की हद है। रिकॉर्ड निकाल ले, विधानसभा में कितने बार जवाब दिया गया, और बड़ी बात यह है कि रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में लगातार ऐसा कोई सत्र नहीं जाता था जिसमें स्थगन और ध्यानाकर्षण नहीं लगता था। पहली बार पिछले पांच साल में नक्सली के बारे में एक भी न स्थगन लाए न ध्यानाकर्षण लाए लोग, 5 साल में। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? नहीं तो कोई भी नेता की पत्रकार वार्ता होती थी, सबसे पहले नक्सली समस्या की चर्चा होती थी, लेकिन उसके 5 साल में वो आखिरी में सवाल पूछते थे नक्सलियों के बारे में। हमने इतना पीछे धकेल दिया था।